नमस्कार, खबरें पंजाब दनादन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें रफ्तार। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से 600 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी को एक साल पूरा हो गया है। अब तक 90% परिवारों के बिजली बिल जीरो आ रहे हैं। पहली बार धान की बिजाई के लिए किसानों को बिजली 8 घंटे से ज्यादा मिल रही है, कोई कट नहीं लग रहा। वहीं किसानों को मोटर बंद करके बिजाई करनी पड़ रही है। पहली बार पंजाब में 43 दिनों का कोयला स्टॉक भी मौजूद है। जहां देश में सरकारी अदारे प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं, वहीं पंजाब सरकार एक घाटे में चल रहे प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीदने जा रही है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सुप्रीम कोर्ट में उसका केस लड़ने के लिए खर्च हुए 55 लाख रुपए का भुगतान पंजाब के खजाने से नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ किया है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्री से पैसे की वसूली की जाएगी और भुगतान न करने की स्थिति में उनकी पेंशन और अन्य सरकारी फायदे रद्द कर दिए जाएंगे। सीएम भगवंत मान ने भी चंडीगढ़ के मुद्दे पर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए हिमाचल प्रदेश के दावे पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंडीगढ़ में 7.19% हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी प्रताप सिंह बाजवा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा दोनों पक्षों के दावे पर अपना स्पष्टीकरण दें। हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और हिमाचल के दावे को गलत बताया। पंजाब के नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग वर्मा अपने परिवार के साथ अमृतसर पहुंचे। अपने अमृतसर दौरे के दौरान मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और प्राचीन दुर्गियाना मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अपनी टीम के साथ मिलकर प्रदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की जनहितैषी नीतियों का फायदा दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वे प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार काम करेंगे। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में आयोजित 5 दिवसीय गुरमति समागम की समाप्ति कार्यक्रम में पहुंचे एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने सिख पंथ को मजबूत करने और सिख विरासत को मजबूत करने के मकसद से हर वर्ष ऐसे समागम करवाए जाते हैं, जो कि धर्म प्रचार कमेटी की कार्यप्रणाली का मुख्य हिस्सा है। पंजाब में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में शामिल होना लगातार जारी है और इसी कड़ी में लुधियाना में बीजेपी, कांग्रेस और लोक इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी से विधायक अशोक पराशर, मदन लाल बग्गा, गुरप्रीत गोगी ने सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। लुधियाना बीजेपी सेंट्रल के मंडल अध्यक्ष राजीव बाबा सहित कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। विधायक अशोक पराशर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दौर आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा।
नशा और नशा तस्करों के खिलाफ पंजाब में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन चलाया। प्रदेश भर के मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। मोहाली में भी जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जगह जगह नाकाबंदी कर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। पंजाब भर में नशे के कारोबार के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बीच फिरोजपुर में भी पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस की टीम ने रेलवे स्टेशन, होटल्स, बस स्टैंड पर चेकिंग की। इस दौरान पंजाब पुलिस के कई जवान भी शामिल हुए। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का मकसद नशे के कारोबार को जड़ से खत्म कर लोगों पर शिकंजा कसना है। समराला में पुलिस ने नशे के खिलाफ मुहिम के तहत सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय बस स्टैंड, कोर्ट हाउस, होटल और बाजारों की जांच की। चेकिंग अभियान के दौरान डीएसपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये विशेष अभियान डीजीपी पंजाब के दिशा निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्षेत्र में नशे का व्यापार कर रहे आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान उन्होंने लोगों से नशे का व्यापार वाले आरोपियों की जानकारी पुलिस को देने की भी अपील की। फिरोजपुर में भारत पाक बॉर्डर पर नशा तस्करी को बीएसएफ ने नाकाम कर दिया है। दरअसल यहां सतलुज नदी में पाकिस्तान की तरफ से बहती आ रही दो बोतल्स को कब्जे में लेकर बीएसएफ ने जांच की है। इस दौरान बोतलों से करीब 1.5 किलो हेरोइन बरामद की गई है। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि गांव राव के एरिया में ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ की बोट नाका पार्टी के जवानों को पानी के तेज बहाव के साथ दो बोतलें बहती हुई आती दिखाई दी, जिन्हें कब्जे में लेकर चेक किया गया तो उनमें 1.5 किलो हेरोइन थी। मामले की जाँच की जा रही है। बटाला के गांव धावन से फायरिंग की खबर सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां मामूली विवाद को लेकर गांव के ही एक व्यक्ति बचेतर सिंह ने गांव के ही जगदीप सिंह और उसके परिवार पर गोली चला दी। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। लुधियाना में एक घर में हुई लाखों की चोरी के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.5 लाख रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और सोने के गहने बरामद कर लिए हैं। बता दें कि 7 जून को आरोपी एक घर से 5 लाख रुपए की नकदी और लाखों की ज्वेलरी चोरी कर फरार हो गए थे। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नंगल में कई संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशा तस्करों से जुड़ी जानकारी पुलिस से साझा करने की अपील की। पुलिस ने कहा कि पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस आपराधिक गतिविधियों से जुड़े सभी संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। फगवाड़ा से नवाशहर रोड पर खटकड़ कला के पास भयानक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार फगवाड़ा की तरफ आ रही एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर बाइक और स्कूटी सवार से टकरा गई, जिससे एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल बंगा में भर्ती कराया गया, जिन्हें बाद में गुरु नानक मिशन अस्पताल ढाहा रेफर कर दिया गया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए ये बताया कि कानूनी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। फिलहाल मृतक और घायल की पहचान नहीं हो पाई है।